आप देख लीजिए, जो श्री दिगंबर निरंजन गिरी जी हैं, नागा साधु, नागा साधु की एक विशेषता है कि सिर्फ है ना माला नहीं जपते हैं, शस्त्र का भी प्रकांड जो विद्वान है वो है, और टाइम टाइम पे जब भी अन्याय होया है, और जब क्षत्रिय में भी बल नहीं रहा, राजा में भी बल नहीं रहा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का, तो फिर नागा साधुओं ने शस्त्र उठाया, इतिहास गवाह है। चाहे वो अपना यू थानेश्वर में मंदिर लुटा था मोहम्मद गजनवी का इतिहास लगा लो आप, चाहे न जो मुसलमाना का निजाम ने जूनागढ़ पर अटैक करा था वो लगा लो, परास्त जेल नहीं पड़ी है। बड़े बड़े क्षत्रिय ने नागा साधुओं का ऐसा इतिहास रहा है। और ये तलवार आप देख सको हो, देखो हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है, हम तो धरती में बैठने का भी बराबर नहीं है, लेकिन यह सौभाग्य है आज किसी कर्म का फल था कि आज उरा बैठे हैं। तो यह तलवार देख सको हो, यह तलवार आशीर्वाद यू एकाध देश का है, तो दुष्टों का संहार करने का तरह यह तलवार भी है। तो शस्त्र का तो एक बराबर का इन कहकर हाँ जब का बराबर का महत्व है नागा साधुओं में। और गुरुजियों की आज आपने पूरी वीडियो देखी है, गुरुजियों के बारे में कमेंट जरूर करना, क्योंकि गुरुजियों का जो ज्ञान का प्रकाश है ना वो सिर्फ भारत में ही नहीं, इटली इंग्लैंड तक भी जा रहा है। वहाँ के डॉक्टर अपना न्यू सोचा बच्चे डॉक्टर बन जाओ बिरौनी जीवन के बन जाए है, जबकि गुरुजियों के शिष्य इटली तक है वो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर, और यहाँ तपस्वी बने हैं, और कोरोना करके वहाँ चले गए, वहाँ भी दुनिया की तपस्या कर रहे हैं, और सिर्फ तपस्या ही नहीं कर रहे हैं बल्कि और भी इस पंथ को आगे लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजियों के लिए कमेंट में पॉजिटिव बातें दो जरूर लिखना कि ऐसे ऐसे महान साधुओं के दर्शन जब हम हो जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।